तो नमस्ते मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर एक बार अद्भुत अविश्वसनीय गेम खेलने जा रहे हैं, जिस गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। नाम तो सुना ही होगा। नहीं। और गाइस, आज हम माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल एपिसोड नहीं खेलने जा रहे हैं, बल्कि गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। ये काफी ज्यादा अमेजिंग सीरीज होने वाली है, क्योंकि गाइस ये देखो, यहाँ पे सिर्फ हमको वन ब्लॉक मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वन ब्लॉक मिला है। और तो और वन ब्लॉक के साथ हमको ये आर्मर स्टैंड मिला है। ये क्यों मिला है वो नहीं पता मेरे को, लेकिन जो भी हो सिर्फ हमको ये वन ब्लॉक ही मिलता है। इसको क्या करना पड़ता है, डिक करते जाना पड़ता है, फिर हमको कुछ नए नए तरह के अजीब अजीब तरह के ब्लॉक मिलते हैं। ये है हमारा आर्मर स्टैंड, तो इसकी पोज हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यार, वो कलेक्ट क्यों नहीं हुआ यार, क्या है कुत्तों की जिंदगी। अभी मेरे को क्या करना है, इसको डिक करते हुए जाना है। इसको तोड़ दिया मैंने, फिर ये कलेक्ट हुआ, फिर ये कलेक्ट हुआ, और फिर क्या करेगा, ये दूसरा स्पॉन हो जाएगा। अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देख रही होंगी तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखी ना, मेरे को पता है। वैसे ज्यादातर लोगों ने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी, वैसे मैंने वो वाली लाइव स्ट्रीम प्राइवेट भी कर दी। तो कैसे, ये देखो, यहाँ पे मैं जितना डिक करूंगा उतने नए नए ब्लॉक आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, हमको ये हमारी जीवन काल की पहली चेस मिली है, यानी कि इस वर्ल्ड की, ना कि सर्वाइवल वर्ल्ड की। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है, ये इंचेंटमेंट बुक हमारे कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे हमको कुछ ब्रेड मिली है, तो चलो अच्छी बात है। और यार हमको, मैं क्राउच होता हूँ सबसे पहले। ओ वैसे मैं क्राउच हुई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेस के बाद हमको ये डर्ट मिल गया। और क्या मिलता है अपन को, अबे यार, तो चलो गाइस, ये हमारी जीवन काल की पहली उड़न मिली, उड मिला, ठीक है ना। तो ये हमारी जीवन काल की पहली उड़ हम तोड़ने जा रहे हैं, कलेक्ट हो जाना चाहिए, तो कलेक्ट हुई। फिर ये भी एक ऑकलॉग मिला, ऑकलॉग नहीं, ये कौन सा तो भी लॉग है, मेरे को नहीं पता है, पर पता है भाई, नहीं पता मेरे को। अतरंगी सतरंगी डट मिली थी मेरे को। और यहाँ पे ये क्या है, पंपकिन है क्या है। तो चलो, इससे हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे हम कर सकते हैं बहुत सारे वीट। तो हमारे पास 9 वीट आ चुके हैं। और यहाँ पे हमको एक सैपलिंग मिल जाए, सैपलिंग मिल जाए। ओ भाई यार, सैपलिंग नहीं मिली मेरे को, क्या ही कुत्तों की जिंदगी। ये क्या है, कुत्ता। तो यहाँ पे और क्या क्या मिलती है, तो मैं देख लेता हूँ। तो कैसे देखो, हमको इतने सारे अब उड मिल चुके, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑकलॉग मिल चुके, इसके मैं प्लैंक्स में रूपांतर करता हूँ। और ये वाली भी उड़ है ना, इसके भी प्लैंक्स में रूपांतर किया मैंने। अभी मेरे को क्या करना है, इसके मैं स्टिक्स बना लेता हूँ। सबसे पहले यार मेरे को एक क्राफ्ट करनी है, क्राफ्टिंग टेबल। तो मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो गाइस, यहाँ पे हमारे लिए कुछ सरफेस नहीं है। और यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग, यानी कि एनिमल्स, वो स्पॉन होंगे, तो वो कहाँ पे स्पॉन होंगे, उसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ स्पेस बनाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा सरफेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरफ सरफेस बना लेता हूँ, तो यहाँ पे भी एक सरफेस बना लेता हूँ। तो इस तरफ मैं ऐसे करके कुछ सरफेस बना लेता हूँ, जितने भी मेरे पास डट है ना, वो सारे डट के मैं यहाँ पे सरफेस बना लूंगा, यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रख दिया। अभी मेरे को क्या करना है, कुछ मैं वेपन्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को एक कुल्हाड़ी क्राफ्ट करनी होगी, तो मैंने कुल्हाड़ी क्राफ्ट कर दिया। तो ये देखो गाइस, यहाँ से नहीं के ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो सकते हैं अभी। हाँ, क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो गाइस यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो सकते हैं, तो ध्यान से मेरे को ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसको भी कलेक्ट करना है। ओ भाई, सैपलिंग मिल जाए क्या, वो सैपलिंग नीचे गिरी क्या, नहीं गिरी नीचे। और यहाँ से वीडियो मेरे को स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरे को ढंग का कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, हमको एक हमारा पहला मेहमान, हमारा पहला फ्रेंड मिल गया है। तो इसको यार संभाल के रखना पड़ेगा। इधर आ, इधर आ, इधर हो, इधर हो। मैं क्या कर लेता हूँ, ये नीचे ना गिर जाए, तो इसके लिए मैं सर्फेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ डर्ट लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से डर्ट लगा देता हूँ। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इधर चला जाता हूँ। तो इधर चले जाए, इधर चले जाए, इधर मैं दो दो का सर्फेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यार अभी मेरे पास डर्ट नहीं है, तो डर्ट मिलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और माइनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं पटाख से यहाँ पे कुछ माइनिंग कर लेता हूँ। अभी मेरे को कुछ माइनिंग में अच्छी चीज़ें लगनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें लगती है तो देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा अभी मेरे को, तो इसको नहीं, रुक जा, इसको इसे तोड़ते हैं। ये क्या है अभी, कलेक्ट हो जा। तो ये कौन सा ब्लॉक है, कुछ नया प्रकार का ब्लॉक है ये। हाँ, बोन मिल क्राफ्ट कर सकते हैं, तो बोन मिल में क्राफ्ट करूँ क्या, बाद में करेंगे, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वे मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो इसके भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गैस अगर मैं गलती से भी नीचे गिर गया तो मेरा सारी चीज़ें भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो गैस ये देखो, यहाँ पे मेरे को क्ले मिल चुका है, लेकिन एक क्ले की जरूरत क्या है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, शाम, सुहानी 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 सुहानी, क्या कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे काऊ, अभी यहाँ पे मशरूम काऊ स्पॉन हो गई है। प्लीज यार, तू मर मत जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ, तू इधर आ, तू हमारा सेकंड मेहमान है, यानी कि दोस्त है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो गाइस मैंने काऊ के लिए सरफेस क्रिएट कर चुका है, तो ये इधर आनी चाहिए। अब रुक जाओ, मैं इसको लालच देता हूँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर। तेरे को हम वीट भी खिलाएंगे, वीट भी खिलाएंगे, खा खा खा, दिन रात काम करेंगे। ओ भाई, यहाँ पे और एक मशरूम का स्पॉन हो चुकी है, तो ये भी अच्छी बात है। ये देखो, अभी इधर आ, इधर आ, तुम इधर आओ, इधर आओ। अभी वैसे भी प्यार मोहब्बत का मौसम शुरू है, तो इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर ही रहो, ठीक है ना। इधर से कहीं मत जाना, इधर ही रहो। अभी मेरे को और तुम्हारे लिए सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए और सरफेस क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास और डर्ट नहीं है, वरना तेरे लिए और
सरफेस क्रिएट करता। और अभी अभी वो गिर जाएगी, पागल है क्या तू? और गिरो मत, मेरे को पता है ये जगह आपके लिए बहुत ही छोटी सी है, लेकिन क्या करे। अबे यार ये क्या काऊ नीचे गिर गई, क्या ही कुत्तों की जिंदगी है, एक काऊ नीचे गिर गई। अबे यार कितनी मुश्किल से मिलती है और नीचे भी गिर गई, शिट यार। और गाइस रुको रुको रुको, यहाँ पे मेरे को ये मिल चुकी है, चेस मिल चुकी है। भाई मैंने ये क्यों रख दिया बे, क्या है? तो इसको निकाल देता हूँ, इसको कलेक्ट कर दिया। अभी मेरे को क्राउच नहीं होना पड़ेगा, अभी मेरे को ओ भाई बेरीज मिल गए हमको, और ये फूल भी मिल चुके हैं, यानी कि फ्लावर भी मिल गए, तो ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मेरे को क्या करना है, ये सैपलिंग भी मिल चुके, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। और मेरे को यहाँ पे बेरीज भी मिल चुके, तो बेरीज में बाद में लगाऊंगा। अभी यहाँ पे शिप भी स्पॉन हो गई, और मैं यहाँ पे गिरती गिरती बचा, वो भी अभी मैं यहाँ पे गिरती गिरती बचा, और यहाँ पे शिप भी स्पॉन हो चुकी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे लेकिन यार ये स्पॉन तो हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई सरफेस नहीं है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से सरफेस क्राफ्ट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। क्राफ्ट कैसे कर सकता हूँ मैं? आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको घर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको बोन मिल खिला देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सुबह भी हो रही है। तो गाइस ये हमारा बड़ा पेड़ हो चुका है, तो भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सैपलिंग गिरेगी, तो उसको भी कलेक्ट करके मैं पेड़ लगाऊंगा। ओ भाई यहाँ पे कोमड़ी भी स्पॉन हो चुकी है, लेकिन यार मेरे पास अभी कोई सीड नहीं है। ये देखो एनिमल स्पॉन तो हो रहे हैं, लेकिन लेकिन रुको रुको रुको, शिप कहाँ चली गई? अबे शिप डिस्पॉन हो गई, क्या हो गई? अबे शिप नीचे चली गई यार, शिप कितनी मुश्किल से मिली थी, वो भी नीचे चली गई। और एक काऊ है, देखो ये पेड़ की छाव ले रही है, काऊ है पेड़ की छाव ले रही है। ये तो कुछ राइमिंग जैसा लगा रहा है ना, लगता है अपन रैपर बनेगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा सैपलिंग आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे भी पेड़ लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे भी यहाँ पे पेड़ लगाता हूँ, ठीक है ना। तो चलो गैस मेरे को सिर्फ एक ही सैपलिंग मिली, अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इस वाले पेड़ को बड़ा कर लेता हूँ। तो इस वाले पेड़ को बड़ा कर लेते हैं, अबे पीक साइड हो जा। तो गैस ये वाले भी पेड़ बड़ा हो चुका है, अभी मेरे को इस वाले पेड़ को भी बड़ा करना पड़ेगा। तो ये वाला भी पेड़ बड़ा हो चुका है, अभी मेरे को इसको काटना पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा, काट लेते हैं। तो मेरे को फेंस क्राफ्ट करने के लिए स्टिक्स चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ से कुछ स्टिक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो स्टिक्स मैं यहाँ से क्राफ्ट करूँगा। तो गैस इतनी जगह काफ़ी होंगी, अभी मेरे को यहाँ पे चारों तरफ फेंस लगाना है। तो यहाँ पे मैं फेंस लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भाई लग जा। तो मैं यहाँ पे एक फेंस लगा देता हूँ, और यहाँ पे मेरे को एक फेंस गेट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को अभी फेंस गेट क्राफ्ट करना पड़ेगा, तो फेंस गेट हम क्राफ्ट कर लेते हैं। तो फेंस गेट ऐसे कुछ करके कुछ क्राफ्ट होता है, तो मैंने एक फेंस गेट क्राफ्ट कर दिया। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फेंस गेट लगाना पड़ेगा। तो मैं फेंस गेट अभी नहीं लगाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने तरफ काऊ को आकर्षित करूंगा, आकर्षित नहीं भाई बुलाऊंगा। तो आ जा काऊ की बच्ची, आ जा इधर, आ जा इधर, लालच देके मैं उसको बुला रहा हूँ, इधर आ जा, इधर आ जा। और यहाँ पे और एक काऊ आ चुकी है, अभी मैं काऊ की कोई नहीं के वेट खिला देता हूँ। और काऊ तू इधर आ जा, काऊ इधर आ जा, तू अभी इधर आ जा, कहीं मत जा, अभी नीचे मत गिर, नीचे मत गिर। One hour later. तो यहाँ पे कुछ अपने लिए सरफेस क्राफ्ट क्रिएट कर लेता हूँ, क्राफ्ट नहीं क्रिएट। तो यहाँ पे मैं कुछ सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा इस तरफ, ताकि गाइस यहाँ पे कोई भी एनिमल स्पॉन हुए ना, तो वो डिस्पॉन नहीं हो जाए, डिस्पॉन नहीं भाई, वो नीचे ना चले जाए, स्वर्गवासी ना हो जाए बेसिकली। और गाइस यहाँ पे हमको चेस मिल चुके हैं, और गाइस इस चेस में से दिल निकल रहे हैं, तो इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। और यहाँ पे हमको बकेट वाटर मिल चुका है, इससे क्या कर सकते हैं, हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं वाटर सबसे पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमको ब्रेड कितने सारे मिल चुके हैं, तो मैंने ब्रेड भी कलेक्ट कर दिए। और यहाँ पे हमको सैपलिंग भी मिल चुकी है, और यहाँ पे हमको एक पिकैक्स भी मिल चुकी है, तो ये तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ वेपन क्राफ्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारी माइनिंग है वो काफ़ी तेजी से हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कुछ प्लैंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्राफ्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं कुछ स्टिक्स क्राफ्ट कर लिया हूँ। अभी मेरे को कुछ वेपन्स क्राफ्ट करने हैं, जैसे कि ये कुल्हाड़ी हम क्राफ्ट कर लेते हैं, दो कुल्हाड़ी और एक कुल्हाड़ी क्राफ्ट कर लेता हूँ। और भाई तू नीचे जा, तेरी जरूरत ही नहीं है। और गैस अभी मेरे को नहीं क्या एक शावल क्राफ्ट करनी पड़ेगी, एक नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा शावल क्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दो ही शावल क्राफ्ट कर लिया, एक ही शावल क्राफ्ट कर लिया। तो मैं अभी शावल से मैं पटाख से माइनिंग कर सकता हूँ। और गैस यहाँ पे मेरे को और एक चेस्ट मिल चुकी है, इस चेस्ट में क्या है भाई, ये क्या है बे? लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ओकलॉक भी आ चुकी है, यहाँ पे मैं शावल से और माइनिंग करूंगा। और यहाँ पे हमारी काऊ भी आ चुकी है, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरफ चले जाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे फेंस गेट भी लगा दिया है, जो हमारी ये काऊ है ना ये सेफ है, तो इसको हम कुछ इनाम देते हैं, तो मैंने उसको इनाम दे दिया। अभी मेरे को ये लॉक करना है, बाहर मत आ। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय तक माइनिंग की, और अभी तक मेरे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें आ चुकी है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लिए एक प्यारा सा घर बना सकता हूँ। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यार मेरे को अपने लिए एक अच्छा सा सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सरफेस क्रिएट करने के लिए मेरे को चाहिए होंगे कुछ प्लैंक्स, तो मैं प्लैंक्स से अपना सरफेस क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये वाले प्लैंक्स कितने हैं, तो ये वाले प्लैंक्स भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है,
उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, काफी ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो यार मेरे को अभी पेड़ लगाना है, तो यहाँ मैं पेड़ किस तरफ लगाऊ, इस तरफ लगाऊ, इस तरफ में हम पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना। तो भी मेरे को यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए सर्फेस क्रिएट करना है, तो मैं इस तरफ सर्फेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा देता हूँ, तो मैं इस तरफ अपने लिए एक सर्फेस क्रिएट करूंगा पेड़ लगाने के लिए। तो यार मैं यहाँ पे पेड़ लगाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या कर लेता हूँ, पेड़ लगाने के लिए कुछ अच्छा सा ढंग सा सर्फेस क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसा वैसा सर्फेस मैं क्रिएट नहीं करूंगा। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, जितने पे मेरे पास ऑकलॉग है ना, ऑकलॉग से मैं प्लैंक्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह मैं प्लैंक्स लगाऊंगा और कुछ कुछ जगह मैं डर्ट लगाऊंगा, ताकि हमारे सैपलिंग भी लग जाए। वैसे प्लैंक्स के ऊपर सैपलिंग नहीं लगती, वैसे आपको भी पता होगा। तो एक प्लैंक उधर लगाया, तो एक प्लैंक इधर भी लगाऊंगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपने लिए सर्फेस भी क्रिएट कर दिया है। अभी देखो मैं अपने लिए एक्स ले लेता हूँ। एक्स से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो प्लैंक्स लगाया ना ये निकाल देता हूँ। तो वैसे अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ से एक ब्लॉक निकालना है। तो यहाँ से मैं एक ब्लॉक निकाल देता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, इसकी जगह मैं डर्ट लगा दूंगा, ठीक है ना। तो डर्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर डर्ट लगा के मैं यहाँ पे एक सैपलिंग लगा दूंगा। छह ब्लॉक का गैप रख के, एक दो तीन चार पाँच और छः। तो गाइस ये यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पेड़ लगाना है। तो यहाँ पे मैं पेड़ लगा देता हूँ। तो पेड़ अभी नहीं लगाना है, यहाँ पे भी गाइस मेरे को डर्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैं डर्ट नहीं भाई, मेरे को यहाँ पे सैपलिंग लगानी है। तो मैंने सैपलिंग यहाँ पे रख दी थी, मेरे को वहाँ पे सैपलिंग लगानी है। तो मैं सैपलिंग ले लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं एक सैपलिंग यहाँ पे लगा दूंगा और एक सैपलिंग मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो गाइस अभी मेरे को क्या करना है, और इस तरफ मैं उसको सर्फेस क्रिएट करना पड़ेगा, इतू से सर्फेस से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं और सर्फेस क्रिएट करता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने सरफेस तो क्रिएट कर दिया, अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे प्लैंक सैपलिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैं सैपलिंग लगा दूंगा, यहाँ पे भी मैं एक सैपलिंग लगा दूंगा और मैं यहाँ पे भी सैपलिंग लगा दूंगा। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे और आगे सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। और गाइस मेरे को और आगे सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक दो और एक तीन तीन ब्लॉक का ही सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी वही मैं वैसेज करूंगा। तो गाइस अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेड़ पटाख से बड़े होने के लिए मेरे को पटाख से बोनविल देना पड़ेगा। तो बोनविल मैंने इस वाले चेस में रख दिया था, तो यहाँ पे बोनविल काफी ज्यादा है वैसे। और गाइस हमारे पास अभी ये कौन मार रहा, ये कौन मार हमको, अभी वहाँ पे स्केलेटन स्पॉन कैसे होता है, स्केलेटन स्पॉन होना भी शुरू हो गई। वो भाई क्या ही तगड़ा डैमेज दिया उसने। और देखो गाइस मैंने यहाँ पे अपने लिए कुछ वेपन्स भी क्राफ्ट नहीं किए, और यहाँ पे बारिश भी हो चुकी है यार। वैसे मैंने बोनविल भी ले लिया, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बोनविल दे देता हूँ। और भाई ये कैसे पेड़ बड़ा हो गया, तो अभी मेरे को साइड से बोनविल देना पड़ेगा। तो इधर से हम बोनविल देते हैं, ताकि पेड़ ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो इसको भी बोनविल देते हैं। तो ये देखो ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसको भी मैं दूर से बोनविल दे दूंगा। तो गाइस ये रात काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे दो ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं। और गाइस दो ज़ॉम्बी को मारते मारते मेरी आप हेल्थ भी देख सकते हो कितनी है। तो और यहाँ पे और ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए तो मेरे को यहाँ पे रहना पड़ेगा। जब मैं माइनिंग कर रहा था तो यहाँ पे भी शिप भी स्पॉन हो चुकी है। तो देखो गाइस अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक शिप के लिए भी अलग से सर्फेस क्रिएट करना पड़ेगा। ओ भाई इतने जल्दी यहाँ पे ट्रेडर स्पॉन हो चुका है, तो देखते हैं ये ट्रेडर ट्रेडिंग कौन सी कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एम्ब्रॉयड एम्ब्रॉयड एम्ब्रॉयड, भाई कुछ नहीं चाहिए तेरे से मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। तो तू नीचे चल पहली फुर्सत में। और ये है ना रस्सी हम कलेक्ट कर लेते हैं। और गैस जो हम अपने लिए प्यारा सा घर बनाने वाले थे ना, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और गैस आप कमेंट करके जरूर बताना है, ये वन ब्लॉक की सीरीज में कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। और गैस इस वीडियो का लाइक टारगेट है ओनली 100 लाइक्स। अगर गैस आपने 100 लाइक कम्प्लीट कर दिए, तभी मैं इस वाली सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। तो देखते हैं आप कब तक 100 लाइक कम्प्लीट करवा देते हो। और गैस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बोले तो मंडल आभारिया।